हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए, हम फ्लावर वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे और ये बहुत आसान विधि से मैंने बताई है। आप घर पे हैवी ड्रेस भगवान जी की बना सकते हो। ये विदाउट पॉलन फ्लावर की मैंने बनाई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले राधा जी का बनाना है। तो हमने ये कपड़ा कट कर लिया है और इसका वीडियो मैंने डाला है कि कैसे आप कट करके ये शेप ला सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। तो इसका देखिए, मैंने 6.5 इसकी लंबाई ली है और लहंगे की ये लंबाई है। तो ये देखिए, मैंने बेस भी कट कर लिया है और ऊपर के लिए भी फैंसी ये कपड़ा है, इसको भी कट कर लिया है। और ये बेस मेरा आप अस्तर ले सकते हो, लेकिन मैंने ये कॉटन का ही कपड़ा लिया है, जैसे अच्छा कपड़ा लगाने से और लुक अच्छा आता है। तो ये मैंने ये बेस कट करने के बाद अब हमें यहाँ पे देखिए, हमें 3 साइड सिलना है। तो हम ऐसे करके 3 साइड सिल लेंगे, ठीक है। और ये देखिए, मैंने सिल करके ये फोल्ड कर दिया है, तो मेरा इस तरह से ये आ गया है देखिए। और आप चाहे तो प्रेस कर लो अगर आपका कपड़ा थोड़ा सिकुड़ा टाइप का हो। अब यहाँ मैं नेट लगाऊंगी। तो नेट के लिए देखिए, हमने ये 6.5 इंच की लंबाई ली थी। तो हम नीचे के लिए देखिए लेयर कट करेंगे, तो मेरी ये 3 इंच हमें निशान लगाना है। तो ऐसे सर्कल में हमें 3 इंच निशान लगाना है। हम 3 इंच पूरा नीचे की तरफ ऐसे लगाने के बाद इसको हम बराबर से मैच कर देंगे और फिर इसी पे हमें नेट लगाना है, ठीक है। तो हम देखिए ऐसे करके ये पहले इसको नाप ले लेते हैं। तो ये मेरा पूरा 3 इंच आ रहा है और ऐसे करके हम ये पूरा गोलाई में हमें सर्कल ये कर लेना है। तो इसको फिर देखिए हम ऐसे करके मैच कर देंगे, लाइन इसकी क्लियर कर देंगे। और अब इसमें हम नेट लगाएंगे। तो नेट लगाने के लिए देखिए, मैंने ये रॉयल ब्लू नेट लिया है और इसको हम अब फोल्ड कर लेंगे। तो पहले आप अगर नेट कट कर रहे हो तो सबसे पहले इसको बराबर फोल्ड कर लो। अब देखिए, हम इसको फोल्ड करने के बाद इसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए, हम ऐसे फोल्ड मैंने कर लिया है। अब निशान लगाना है, तो 3 इंच से 2 पॉइंट हम ज़्यादा लेंगे और इसको हम अब कट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सिलाई में भी थोड़ा कपड़ा जाएगा। तो ऐसे करके ये हम कट कर लेते हैं और कट करने के बाद अब हम इसको, इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। तो हम ये प्लीट्स इसमें डालेंगे, तो एक के ऊपर एक रख के हमें ये प्लीट्स बनानी है। तो ये देखिए, हम एक के ऊपर एक ऐसे प्लीट्स रखेंगे और ऐसे करके हम ये लेयर कंप्लीट कर लेंगे और अपने घेर में हमें इसको अटैच करना है। अब ये देखिए, हमने ये अटैच कर लिया है, ये कि घेर पे अटैच कर लिया है। बस ऐसे हमने इसको लेयर लेके सिलनी है। अब देखिए, हम ऊपर का हमें पार्ट करना है। तो ये देखिए, हमने हम इसको 3.5 इंच लेंगे इसकी लेंथ नेट की, ठीक है, क्योंकि हमें इसके ऊपर कवर करना है, सिलाई मेरी ना दिखे। तो ये देखिए, हम ऐसे करके मैंने प्लीट्स बना ली है। अब यहाँ पे हमें ये रख के और यहाँ पे अटैच करना है। तो हम ऐसे करके यहाँ पे यूं करके सिल लेंगे। अभी देखिए, मैंने ये सिल लिया है। अब ये मैंने और एक पट्टी कट की है और ऊपर उसके नेट किया है, जैसे ये और लुक सुंदर आए और नेट तो खिंच जाता है। तो ये देखिए, हम ऐसे करके फोल्ड करके यहाँ ऐसे करके हमें कमर पट्टी लगा देनी है। तो कमर पट्टी लगाने में अंदर मैंने रिबन डाला है रॉयल ब्लू का। अब कृष्णा जी की हम कमर काशनी बनाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे करके हम ये फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमने ये एक पेपर कट किया है, उसको फोल्ड कर लिया है। तो ऐसे देखिए, हमें यूँ गोलाई देनी है पहले कमर की। तो गोलाई देने के बाद अब हम ये ऐसे देखिए, हम ये 3 इंच इसकी निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद अब हमें ये ऐसे देखिए, हम इसको 3-3 इंच पे हमें इसका सर्कल कट करना है। ऐसे ही हमें लहंगे का भी कट करना है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ऐसे करके ये हम ऐसे करके कट कर लेंगे। तो मेरा ये एक पार्ट तैयार होगा। ऐसे हम 2 पार्ट कट करना है हमें कपड़े पे। तो ये देखिए, हमने ये कट कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से ये शेप आई है, जैसे आप देख रहे हो। तो ऐसे हमने
ये कि ऐसे हमने दो पार्ट कट किए हैं और ये रॉयल ब्लू का पहले बेस कट कर लिया है, इसके ऊपर ये देखिए दो पार्ट हमने कट किए हैं। ये इस तरह से ये कमर काचनी बनेगी कृष्णा जी की। तो अब हम इसका कहते हैं हम नेट कट करेंगे, पहले कपड़ा कट करेंगे उसके ऊपर नेट हमें लगाना है। तो ये देखिए हमने ये नेट पहले कपड़ा कट किया है, फिर उसमें प्लीट्स डाल के नेट लगा ली है और दोनों साइड रिबन हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हमें अटैच कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये हम एक के ऊपर ऐसे एक रखेंगे और ये हमने रिबन लिया है, इससे डोरी भी बन जाएगा, डोरी का भी काम करेगा। तो पहले हम इसको ऐसे ऑन फोल्ड ऐसे करेंगे और यहाँ पर हमें इसको सिलना है, तो हम ये सिल लेते हैं। अभी देखिए मैंने सिल लिया है, सिलने के बाद हम दूसरा पार्ट लेंगे और पार्ट लेके हम इसको इसी में अटैच करके हमें ये पूरा डोरी कमर पट्टी तैयार कर लेनी है। तो हमें पहले इसके एक के ऊपर एक रख के और फिर हमें इसको सिलना है। तो ये देखिए हम ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और यूँ फोल्ड करने के बाद अब ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हमें दो तीन टाँका लगाना है, जैसे मेरी ये खुले नहीं दोनों पार्ट अटैच हो जाए और बहुत सुंदर ये लुक बन के तैयार होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और आपने देखा होगा ठाकुर जी के मंदिरों में भी ठाकुर जी पहने होते हैं और इस्कॉन मंदिर में अधिकतर ठाकुर जी ऐसी ड्रेस पहनते हैं। तो ये हम ऐसे कंप्लीट देखिए मैंने कर दिया है, कुछ इस तरह से ये लुक आया है। मैंने ये दोनों पार्ट इसके अटैच करके फिर ये कमर की ये रिबन से अटैच कर दिया, डोरी लगा दी है। अब इसमें हम इसको डेकोरेट करना है बस, अब हमें और धोती और मैंने पटका और चोली बताई हुई है, मैं डिस्कशन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो कृष्णा जी की। अब मैं फ्लावर बनाना बता रही हूँ, तो फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये रिबन लिया है और ये 1 इंच है और इसको देखिए हम ऐसे दो बार फोल्ड करने के बाद यूँ गुलाई में घुमाएंगे और घुमाने के बाद हमें ये रोज़ बनाने हैं। तो आप पतले भी रिबन ले सकते हो जैसा आपको सुविधा हो। तो ये हम ड्रेस में अटैच करेंगे क्योंकि फ्लावर वाली स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं और इसमें हम पॉलन फ्लावर नहीं लगा रहे हैं। तो हम ऐसे करके देखिए ये अटैच करेंगे। तो यहाँ हम सुई की हेल्प से इसको सर्कल सर्कल कट कर अटैच करते जाएंगे और रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हम ऐसे ही फोल्ड एक साइड से फोल्ड करते जाएंगे, दूसरी साइड से हमें इसको पिनअप जैसे अटैच भी करते जाना है। तो सुई की हेल्प से देखिए हम ऐसे करके सिलते जाएंगे और ये इधर से हम फोल्ड करते जाएंगे। तो ये मेरा ऐसे करके अटैच होता जाएगा। तो आपको जितना बड़ा रखना हो फ्लावर आप उतना बड़ा रख सकते हो। तो ये देखिए हम ऐसे ये हम एक साइड यूँ फोल्ड करना है हमें एक हाथ से और दूसरे हाथ से हमें इसको जहाँ मैंने फोल्ड किया है उसे हमें अटैच करना है। तो ये ऐसे देखिए हम फोल्ड करेंगे और यूँ हमें हम ऐसे करके ये फोल्ड करते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये मेरी फ्लावर कम्प्लीट होगी। तो ऐसे फोल्ड करते करते हमें यूँ करके इसको टाँकते भी जाना है हमें सुई की हेल्प से। तो मेरा ये फ्लावर खुलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, या तो आप हॉट ग्लू से भी इसको फोल्ड करके और चिपकाते हुए भी इसको फ्लावर कंप्लीट कर सकते हो। हॉट ग्लू किसी के पास होता नहीं है इसलिए मैं सुई की हेल्प से आपको बता रही हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया एक्स्ट्रा और इसको इसी में हम पिनअप कर लेंगे, देखिए अटैच कर देंगे और ये मेरा फ्लावर ऐसे करके ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखिए हम पर लिया है, ये मैंने ये 2 साइज का है और इसको अब यहाँ पे हम ऐसे करके यूँ डालेंगे, यूँ मेरा ये इस तरह से ये आया है। अब हम ये देखिए ग्रीन हम रिबन लेंगे, तो ये मैंने 1/2 इंच का रिबन लिया है और इसको ऐसे पहले जो जिधर खुला हुआ है उसको हम ऐसे करके फोल्ड पहले कर लेंगे एक के ऊपर एक करके, फिर हम अभी देखिए हमें इसको ऐसे करके यूँ करके फोल्ड करना है और यूँ फोल्ड करके हमें आपको जितना इसको रखना है आप उतना लेंथ रख सकते हो। तो
तो ये देखिए हमने इतना रखा है। अब इसको हम इसमें अटैच करके और इसको जो ऊपर का सिरा है उसको भी इसी में फोल्ड करके हम सिल लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से आया है। अब हम रॉयल ब्लू हम लेंगे रिबन। तो ये देखिए हम रॉयल ब्लू ले रहे हैं और ये भी हाफ इंच है। इसको भी पहले ऐसे करके फोल्ड कर देंगे जैसे इसका जो सिरा है वो खुले नहीं। और अब इसको हम फिर से ऐसे ही फोल्ड करेंगे। तो ये मेरी ऐसे फ्लावर की लड़ी टाइप की तैयार होगी। तो ये देखिए ऐसे करके हम इसको मैंने कर लिया है। और ऐसे करने के बाद अब इसको देखिए हमने कट कर लिया है। और जैसे मैंने ग्रीन किया था सेम वही प्रोसेस से इसको भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसको निकाल लेना है। और देखिएगा आपका धागा फंसे नहीं। तो ये ऐसे करके हमने ये फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम देखिए पर्ल डाल रहे हैं फिर से। तो हमने ये देखिए ऐसे करके हम पर्ल डालेंगे। आपको जितनी लेंथ रखनी है पर्ल की आप उतनी रख सकते हो। तो हम इसमें देखिए मैंने 3 मोतियाँ डाली हैं और आप चाहे तो और भी ज़्यादा डाल सकते हो। तो हमको ये ऐसे करके यहाँ पे अटैच करना है। ये मैंने पटका लिया है और पटके में ये हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हम बस सुई की हेल्प से यहाँ अटैच कर देंगे और ये हमें टाँकना है यहाँ पे। और फिर ग्लू हॉट ग्लू से आप या तो इसको ऐसे करके चिपका सकते हो या तो फिर आप फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो। तो हम फिर ऐसे यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। आप खुला भी रख सकते हो। तो मेरा ऐसे तो ये ऐसे तैयार होगा। ऊपर हम येलो कलर का ऐसे देखिए छोटा फ्लावर मैंने बनाया है उसको यहाँ अटैच करेंगे और ऐसे हमें डिज़ाइन बनानी है। तो ड्रेस देखिए मेरी ऐसे तैयार हो गई है और मैंने ऐसे करके पूरा फ्लावर लगा दिए हैं। और उसमें देखिए मैंने इसको हॉट ग्लू से इसको कहते हैं पेस्ट भी कर दिया है और ऊपर स्टोन मैंने लगाए हैं और हाफ कटिंग वाली पर लगाई है। आप चाहें तो फ्लावर थोड़ा मैंने जैसे डिस्टेंस में दिया है, आप चाहें तो चिपका चिपका के भी कर सकते हो। और देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बन के तैयार हुई है। और ये कमर काक्षी है और ये पटका है देखिए। तो मैंने थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस पे रखा है वैसे ही मैंने सब ड्रेस तैयार की है। और ये पग है और पग की वीडियो मेरे चैनल पर ही है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।